प्रातः क्लास चल रहा था 27/12 1967 बुधवार को 5वीं 30 पर बात चल रही थी मध्याह्न में के, जिसको शांति देवा भी कहते हैं, वो है शांति का सागर, है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, सबका सागर उसको कहा जाता है। किसको? हाँ, किसको कहा जाता है? है? अरे इतनी देर एक अक्षर लिखने में। हाँ, शांति देवा तो बताया कि शांति देवा को कहा जाता है, सुप्रीम सोल को कहा जाता है, वो देवा है, शांति देवा। अच्छा, हाँ, उसको कहा जाता है जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो सारी सृष्टि को शांति देने का काम करता है। और खुद शांत कैसे होता है? खुद को शांत कौन करता है? अंतिम जन्म में जब अशांत हो जाता है, दुख के सागर में गोते खाता है, तब उसको सुख के सागर में अनुभव कराने वाला कौन? सुप्रीम सोल। हाँ, तो सुप्रीम सोल को शांति देवा थोड़े ही कहेंगे, देव है वो, तो देवता बनता ही नहीं, वो तो सदा क्या है? हाँ, आत्माओं की दुनिया में ऊंचे ते ऊंच आत्मा सुप्रीम सोल, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, मुकर्रर शरीर में प्रवेश करके। समझा ना? तो जिसको शांति का सागर कहते हैं, पवित्रता का, सुख का सागर कहते हैं, शांति देवा कहते हैं, वो सबका ओशन है, नॉलेज का भी ओशन और सभी का ओशन ही है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। तो सागर दो अलग होता है, और सूर्य, सूर्य अलग होता है, खास अंतर क्या है दोनों में? सागर तो अटैचमेंट में भी आता है, और सूर्य कभी भी अटैचमेंट में नहीं आता है। तो देखो, वो सभी वर्षा तुम बच्चों को मिलता है, किससे? ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति देवा से मिलता है। और वहां कितनी शांति रहती है सतयुग में, है? कोई भी हंगामा, झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं, ये जो भक्ति मार्ग है ना, इसको कहा जाता है दुर्गति मार्ग, है? जो ज्ञान मार्ग है उसको कहा जाता है सदगति मार्ग। दुर्गति मार्ग में, भक्ति मार्ग में सभी झूठ ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। सबसे बड़ा एक अज झूठ कौन सा है? एक अज भूल। कौन सी? गीता का, भगवान कृष्ण को बनाई दिया, बस हो गया सत्यानाश। या हाँ, जो बाप का बच्चा है
उसे वो क्या बनाई दिया है? हैं? हाँ, उसको गीतापति भगवान बनाई दिया है। अब गीतापति भगवान तो सुप्रीम सोल, हेवनली गॉडफादर, और बच्चे को बनाई दिया दुनिया वालों ने क्या, गीता का पति भगवान बनाई दिया। तो जुल्म कर दिया ना, क्या जुल्म कर दिया, माँ का पति बनाई दिया है, और माता ने भी पति स्वीकार कर लिया, किया कि नहीं किया। हा बस, पहले पति परमेश्वर सब कुछ था, फिर बाद में है कारण है अकारण है, पति चला जाए तो फिर क्या कर दिया, वो ही सब कुछ हो गया बच्चा। तो कितना झूठ बनाई दिया, सच की रत्ती नहीं रही है। तो जब सच की रत्ती भी नहीं है, तब ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है, है? भारत में कहते सत्यम शिवम सुंदरम। तो फिर सच्चा बाबा आते हैं तो उसको कहा जाता है सच, है? सत्य बाबा आके सत्ययुग की स्थापना करते हैं। हाँ, और ये झूठल्ला कृष्ण बच्चा क्या कर देता है, नरक बनाई देता है, स्वर्ग बाप बनाते हैं और बच्चा नरक बनाई देता। अब देखो, ये है असली सत्संग, क्या समझा, कौन सा है असली सत्संग, सत्य का संग। तो सत्य का संग है और बाकी क्या है, सभी भक्ति मार्ग। इस सारा दुनिया में झूठ का संग, क्योंकि बच्चे सीढ़ी उतरते हैं ना, सीढ़ी उतर उतर के झूठी दुनिया हो जाती है। गाया जाता है ना, क्या झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, कहते हैं ना, माया किसको कहा जाता है, हा? वो किसको कह देते हैं माया, अरे दुनिया वाले माया किसको कह देते हैं, है? और समझते हैं कोई स्त्री है जो माया है, हा? अरे नहीं, ये जो पांच विकार है ना, चाहे स्त्री में हो चाहे पुरुष में हो, वो क्या है, वो ही माया रूपी रावण है। पुरुष में है तो रावण है, और स्त्री में है तो माया है। हाँ, तो उसके पास वो विकार आने से इस दुनिया में यहां सब झूठ ही झूठ, धंधा धोरी वगैरह वगैरह सब झूठ। कोई धंधा सच्चाई का धंधा रहता है इस दुनिया में, है? कोई भी, कौन सा है, वो तो एक जब आता है तब ज्ञान का धंधा कराता है, एक आता ही नहीं है वो, उसको जब तब पहचानते ही नहीं सारी दुनिया, तो कौन सा धंधा करते हैं, झूठ का धंधा करते हैं ना, तो सब झूठ, सब में विकार भरा हुआ है। बी माने विपरीत, कार माने कार्य, सब कुछ धंधे धोरी में विपरीत कार्य करते हैं। अब इसको सत्युग तो नहीं कहेंगे ना, सत्य का युग कहेंगे ना? तो बाप बोलते हैं बच्चे
ये तो कोई बात नहीं है। क्या कि स्त्री माया रूपिणी है? नहीं, वो फिर या तो धन संपत्ति को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, वास्तव में माया क्या है? पांच विकार माया है। तो शास्त्रों में ये जो चक्कर है ना, ये कल्प वृक्ष है या ये सृष्टि का चक्कर, उन्होंने सब लिख दिया है, लाखों वर्ष का है। अभी भी देखो, तुम बच्चों को कहते हैं, अरे भाई कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा है, तुम कहां विनाश की बात करते हो? महाविनाश हो जाए, विनाश ही विनाश चिल्लाते रहते हो। तो देखो, अरे कहां सारा सृष्टि का चक्कर 5,000 वर्ष का, और कहां उन्होंने लिख दिया लाखों वर्ष। अरे भाई, आधा टाइम है सुख की दुनिया, आधा टाइम है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया माना दिन है, ज्ञान सूर्य की रोशनी का ज्ञान प्रकाश ही ज्ञान प्रकाश, तो उसमें सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे? सुख होता है। और फिर आधा समय होता है इन देहधारी धर्मगुरुओं का बनाया हुआ दुख की दुनिया। तो जो दुख की दुनिया है सब जानते हैं, क्यों आई, क्यों हुई? क्योंकि एक जो ज्ञान देता है सच्चा, हाँ, उसके ज्ञान से आधा कल्प की सतयुग त्रेता में आधा टाइम 2,500 वर्ष सुख ही सुख रहता है। और जब वो सुख पूरा होता है तो फिर ये दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आ करके फिर क्या करते हैं, द्वैतवाद फैलाते हैं। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मत, दो दो कुल, दो से चार, चार से आठ, बढ़ते जाते हैं कि कम होते जाते हैं? बढ़ते जाते। तो फिर द्वैतवाद में झगड़ा होगा या एक राजा के राज्य में झगड़ा होगा? झगड़ा काय में होगा, अनेकों के राज्य में झगड़ा होगा। कम से कम दो तो होंगे तो लड़ेंगे जरूर, लड़ेंगे कि नहीं? हाँ। तो देखो, अब ये मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री है, उसी को ले लो। कितने साल की हिस्ट्री है प्रूफ और प्रमाण सहित? 5,000 साल। अरे वो क्या जाने 5,000, वो तो कहते हैं लाखों वर्ष की सृष्टि। जो हिस्ट्री है मनुष्यों के पास प्रूफ प्रमाण, 2,500 साल की हिस्ट्री है। और उस 2,500 साल में कौन कौन धर्म पिताए आए? आंखें अंधी हैं, जानते नहीं है। अरे दूसरा धर्म वाला द्वैतवादी धर्म कब से आया? 2,500 साल से आया। इब्राहिम जब से आए, इस्लाम धर्म स्थापन किया, दूसरा धर्म स्थापन हो गया। फिर धर्म के आधार पर बाद में राज्य स्थापन हो गया। फिर भाषाएं स्थापन हो गई अलग अलग, अलग अलग देशों की अलग अलग भाषा, अलग अलग कुल, अलग अलग मतें हो गई। तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ये मनुष्यों की द्वैतवादी दुनिया में जब से दो दो धर्म हुए, दो दो चार चार धर्म पिताएं आना इकट्ठे हुए, तब से ये 2,500 वर्ष से नरक की दुनिया बनी। नरक क्यों नाम दिया? नर माना मनुष्य, और का माने करने वाला। कौन करने वाला? नरक ही नारी है। नर जितने भी पुरुष हैं, जब से ये द्वैतवादी दुनिया हुई है, दो दो धर्मों की, दो दो राज्यों की, तब से हर पुरुष मात्र दुर्योधन दुशासन का पार्ट बजाए। दुर्योधन माने दुष्ट युद्ध करेगा, प्यार से रहना नहीं जानते। क्या करते हैं? अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करते हैं?
दुष्टता के काम करेंगे, मारामार करेंगे, बलात्कार करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, हाथापाई करेंगे, करते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये है नरक की दुनिया। नर ने बनाई है, नारी ने नहीं बनाई। क्या तो कह दो कि ये तो भारतवर्ष की नारियां आई, मातृ प्रधान देश की हैं, इन्होंने नरक बनाया। उन्होंने बनाया है? नारी क्या करेगी, नारी तो बिचारी द्वैतवादी दुनिया में आबला हो जाती है। तो देखो, ये तो घोर ज्ञान का अंधेरा हो गया। कहां लाखों वर्ष की आयु बता दी और कहां 2500 नरकी बनाई हुई नरक की दुनिया, द्वैतवादी विधर्मियों की है, विदेशियों की, और कहां एक ऊंचते ऊंच भगवान की बनाई हुई सुख की दुनिया, आधा कल्प 2500 साल। अरे समझ में आया कि नहीं? हाँ, इतनी सी बात समझने के लिए और समझाने के लिए बाप को आना पड़ता है। बाप बताते हैं बच्चे, अरे इतनी लंबी आयु तुमने क्यों दे दी, इतनी चालाकी क्यों की? तो बताएंगे नहीं हमने क्यों चालाकी की, बाप बताते हैं। क्या? हाँ, उन्हें जब कुछ नहीं समझ में आया तो फिर उन्होंने क्या किया, हाँ, लाखों वर्ष सृष्टि की आयु बता दो तो कोई भी नहीं पूछेगा। क्या सृष्टि का आदि मध्य अंत लाखों वर्ष का कोई पूछेगा है? कोई नहीं पूछेगा। तो ये चालाकी की शास्त्रकारों ने है अपनी मन मत लगाई दी। वास्तव में इस सृष्टि की आयु 5000 वर्ष, और महाभारत युद्ध भी कब हुआ था? भगवान ने महाभारत युद्ध कराया बताते हैं है? तो कब हुआ? महाभारी दुनिया का सबसे भारी युद्ध कलयुग के अंत में होगा या सतयुग त्रेता द्वापर में होगा? हाँ, कलयुग के अंत में महाभारी, जिससे भारी युद्ध और कभी दुनिया में खून खराबे का युद्ध होता ही नहीं। तो देखो, ये भी गड़बड़ कर दिया। एक तो कृष्ण को भगवान बना दिया, जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण सतयुग का आदि का है, और उसको डाल दिया द्वापर युग में। अब भगवान ने, उस कृष्ण भगवान ने आके क्या किया, बिखाते हैं कलयुग पापी दुनिया की स्थापना करके चला गया। अरे काये के लिए झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ चलाए चले जा रहे, सच्चाई बताओ ना। तो सच्चाई बेचारे जानते ही नहीं, बाप को आकर बताना पड़ता है ये सृष्टि की आयो लाखों वर्ष नहीं है, सिर्फ 5000 2500 साल। स्वर्ग की दुनिया भगवान, एक भगवान ऊंची ऊंचा भगवान ताकर स्थापन करते हैं है, साकार शरीर में मुकरर रथ में प्रवेश करके है, और बाकी जो मनुष्य मात्र हैं है, वो सब क्या करते हैं, नरक की दुनिया बनाते हैं। उस नरक की दुनिया में फिर वो भी चंबे में आ जाता है। कौन? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, जिस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल प्रवेश करके नई दुनिया बनाने का रास्ता बताते हैं, वो भी चंबे में आता है कि नहीं? हाँ, वो भी चंबे में आ जाता है। तो देखो, घोर अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। तो वो कहा जाता है ना बरोबर, क्या तो बाबा के पास अभी चिट्ठी भी आती है, बाबा अभी हम कुंभकर्ण की नींद से जागे हैं, हजारों साल से हम सोए हुए पड़े थे, हमको सच्चाई का पता ही नहीं था, आपने आकर के हमको अज्ञान की नींद से जगा दिया है? किसके द्वारा जगा दिया है? तो बाप कहेंगे मैंने बच्चों के द्वारा जगाया है? मैंने जगाया कि बच्चों के द्वारा जगाया है? नंबर वार बच्चे हैं जो सारी दुनिया को जगाने का काम करते हैं, मैं क्या करता हूं?
मैं जगाता पगाता नहीं हूं, क्या करता हूं है? कि कोई गहरी नींद में खर्राटे से सो रहा हो तो मैं उसका कंधा हिला करके जगाई दूंगा? नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं आकर के अज्ञान की नींद से जगाता हूं। हाँ, सच्ची बात बता के। तो देखो, तुम ये जाए के जागते हो ना, हाँ? न ये जागते हैं, हाँ? ये कौन है? ये बच्चा बुद्धि ब्रह्मा जी महाराज, चौमुखी ब्रह्मा, हाँ। ये संगठन तो इकट्ठा करना जानते हैं, हाँ। बाकी हाँ, बाकी ये कुछ नहीं जानते। इनके द्वारा मैं बेसिक ज्ञान तो काखा गा ABCD सुनाता हूं, लेकिन उसमें फिर ऊंची पढ़ाई क्या है, गहराई क्या है, वो इनकी बुद्धि में नहीं बैठता। तो देखो, न ये जानते हैं, न इनके फॉलोअर जानते हैं, किनके? ब्रह्मा बाबा के, हाँ। और न वो दुनिया वाले जानते हैं, धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि के फॉलोअर्स है ना, वो जानते हैं? वो भी नहीं जानते। हाँ, तुम बच्चे हो जो मेरे सन्मुख बैठ के वाणी सुनते हो रूबरू, हाँ, तुम जा करके जागते हो, थोड़े से बच्चे। तो बाबा तो अभी जाते भी नहीं है कहां, हाँ? किसी को सुनाने के लिए जाते हैं, हाँ? अभी नहीं जाते, पहले जाते थे। अरे, ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते थे, चौमुखी ब्रह्मा में, तब कभी कभी जाते थे, फिर जाना बंद कर दिया संसार सर तक, हाँ। तो अभी तो बाबा जाते भी नहीं, तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ होती कि नहीं, शूटिंग में भी रिपीट होगी कि नहीं? हाँ, शूटिंग में भी रिपीट होती है। तो बताया, 40-50 साल पहले भी नहीं जाना बंद कर दिया था, अब भी, अब क्या हो गया, अब 40 साल पूरे हुए कि नहीं? 50 साल हो गए, 67 को 50 साल से ऊपर हो गए ना, तो अब जाते हैं क्या, हाँ? अब नहीं जाते, बाहर कहाँ भी नहीं जाते। तो फिर जब जाते ही नहीं दुनिया में, तो उनको कौन जगाएगा अज्ञान की नींद से? कौन जगाएगा, हाँ? अरे कोई जगाएगा कि नहीं, हाँ? हाँ, एक ही जगाता है सबको जाके, वो तो जाना बंद कर दिया, हाँ? वो तो बाहर की दुनिया में जाना ही बंद कर दिया, संसार सत्र में भी जाना बंद कर दिया था, अभी भी जाना बंद कर दिया, अब कौन जगाएंगे, हैं? हाँ, बच्चे ही जगाएंगे ना, हैं? बाबा की बुद्धि में बच्चे रहता है कि बच्चियां छत्तियां रहती हैं, हैं? बाबा की बुद्धि में क्या रहता है? बाबा बच्चे देखते हैं कि बच्चियां देखते हैं, हैं? अभिमानी आदमी, ये ब्रह्मा बाबा क्या कहते, बच्ची 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 बच्ची, उनको बच्ची बच्ची दिखाई पड़ती है, है? तो देखो, बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ही बाहर की दुनिया वालों को जाकर के जगा देंगे, ज्ञान सुना के जगा देंगे कि नहीं? हाँ, आगे तो चक्कर बाबा लगाते थे कि नहीं? हाँ, हद के बाबा भी लगाते थे, अभी हद के बाबा भी, दो बाबा हैं कि नहीं? दो बाबा कैसे, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा, तो देखो अभी तो चक्कर लगाना बंद हो गया कि नहीं हो गया, कि चालू है बस, ये हाँ चक्कर लगाना, अब तो एक जगह बैठ गए बाबा, क्योंकि जब बच्चे हैं तो बाप को क्या तकलीफ पड़नी पड़ती है, हा? अभी बच्चे पैदा हो गए ही नहीं, अरे तुम बच्चे, कौन से बच्चे, ये बच्चे नहीं जो सन्मुख को बैठ के नहीं सुनते हैं शिव बाबा से, किसे सुनते हैं, हा? चौमुखी ब्रह्मा से सुनेंगे, हा? या कोई भी ब्रह्मा से सुनेंगे, ब्रह्मा के तो जो प्रसिद्ध ब्रह्मा है उसके चार मुख है ना, वो दुनिया में वो ही प्रसिद्ध है,
तो उन चार ब्रह्मा नाम धारियों से कोई भी मुख से सुनेगी है? ये उनके फॉलोअर्स और दुनिया वाले भी, वो भी सुनते हैं हम चार मुख वालों से। लेकिन है तुम बच्चे ऐसे विशेष बच्चे हो है, जो बाप निश्चिंत हो जाते हैं। क्या क्या उच्चमुखी ब्रह्मा और उनके फॉलोअर्स है जो नीची नीची कुरियों के बच्चे पैदा होते हैं, ब्राह्मण बच्चे होते हैं नीची कुरी के, वो तो सारी दुनिया को नहीं जगा पाते। लेकिन तुम बच्चे क्या करते हो? तुम बच्चे सारी दुनिया को जगाते हो। तो बाप को तकलीफ है? फिर बाप फिर आनंद से बैठे रहते हैं, शांति से बैठते हैं, शांति धाम में क्या करते हैं है? निश्चिंत होकर के बच्चों को पढ़ाते हैं कि नहीं? बच्चों को नहीं पढ़ाते? हाँ पढ़ाते हैं घर में बैठ के। तो सो ये बच्चे सभी ले आते हैं, क्या क्या करेंगे? यही बच्चे जाएंगे बाहर की दुनिया में और फिर उनको लाएंगे कि नहीं? जो सन्मुख बैठ के बच्चे पढ़ते हैं, तुम बच्चे सन्मुख पढ़ते हो ना, तो सन्मुख बैठने वाले बच्चे बाहर की दुनिया में जाएंगे और फिर उनको पकड़ पकड़ के चले, चलो कान पकड़ के ले आएंगे। किसके सामने है? कहां ठिब्बे खाते फिरते हो? चलो बाबा के पास है वहां तुम्हें सुख की दुनिया में बाबा लेने ले जाने के लिए आया हुआ। तो देखो सभी बच्चे ले आते हैं, सबको जाकर के देखो कितने तुम, कितनों को तुम ले आते हो है? और कितने सेंटर खुलते जाते हैं? सेंटर खुल रहे हैं कि नहीं कि बंद हो गए है? चाहे कितना भी धूम धड़ाका मचाए विधर्मी आत्माएं या विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाले, लेकिन बाप के जो बच्चों के घर हैं, सेंटर्स है, मंदिर हैं, असली असली देवताओं के, वो खुलते जा रहे हैं कि बंद होते जा रहे हैं? खुलते जा रहे हैं। तो ऐसे खुलते 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 तुम्हारी पक्की बादशाही है, हाँ विश्व की बादशाही की राजधानी स्थापन हो जाएगी। देखो यहां इस दुनिया में ये करोड़ों मनुष्य हैं है? उन करोड़ों मनुष्यों को पैगाम कौन देगा? अरे उनको संदेश कौन देगा कि भगवान बाप आया हुआ है, हेवनली गॉड फादर आया हुआ अभी हेवन स्थापन करने के लिए? तुम बच्चे ही जाएंगे ना है? तो करोड़ों मनुष्यों को पैगाम मिलेगा तुम्हारे द्वारा, क्योंकि ये पैगाम है ना, संदेश है ना, मैसेज है बाप का, सुप्रीम सोल का। और तो कोई पैगंबर या मैसेंजर होते ही नहीं है, बनते ही नहीं है बच्चे। वो विधर्मी वो बाप का पैगाम देते हैं दुनिया वालों को, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक या जो भी धर्म पिताएं हुए हो छोटे बड़े, उन्होंने क्या बाप का पैगाम दिया कि बाप आया हुआ है नई दुनिया स्थापन करने के लिए? वो कहते हम भगवान है, सबसे वो हम करके बन करके बैठ गए। देखो कोई पैगंबर पैसेंजर नहीं है इस दुनिया में है? ये जो कहते हैं ना मोहम्मद साहब पैगंबर हुए है, इब्राहिम पैगंबर हुआ है, बौद्ध ही पैगंबर, ये कोई पैगाम लेकर के नहीं आते हैं भगवान का, जो सुख की दुनिया में, सुख की दुनिया का रास्ता बताए या सुख की दुनिया में ले जाने वाले के पास पहुंचाए। नहीं, ये तो एक ही बाप है जो आकर के बच्चों को पैगाम देते हैं। कौन सा बाप पैगाम देते हैं? ऊंच ते ऊंच भगवंत का। अरे ऊंच ते ऊंच भगवंत का एक बाप पैगाम देते हैं, मनुष्य सृष्टि का बाप। वो अव्वल नंबर में निमित्त बनता है, फिर तुम सब बच्चे बनते हो। तो समझा क्या मैसेज देते हैं? अरे मैसेज देते हैं अपन को आत्मा समझो। पहले पहले क्या करो है?
भगवान का मैसेज है, क्या करो, अपन को देह मत समझो, क्या समझो, ज्योति बिंदु आत्मा समझो, जिसकी यादगार में भारतवासी हैं, माताएं हों, पुरुष हों, क्या लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, हैं? बिंदी है आत्मिक स्मृति में टिकने की यादगार, और टीका है, है? टीका किस बात का है, जब विश्व की बात सही मिलती है, है? तो ये परंपरा चली, क्या बाप क्या करते हैं, जिस बच्चे को गद्दी पे बैठाते हैं कि भाई लो हमारी राजाई अब तुम करो, तो उसको तिलक लगाते हैं, विजय का तिलक, हाँ विश्व की ऊपर तुम्हारी विजय है, अब तुम राजाई करो। बाप कहते हैं इस राजाई को प्राप्त करने के लिए क्या करो, अपन को आत्मा समझो, हाँ देह भान को छोड़ दो, हम देह नहीं है, देह को याद करेंगे तो फिर देह के संबंधी याद आ जाएंगे, है कि बाप याद आएगा, नहीं याद आएगा, तो अपन को पहले पहले आत्मा समझ करके फिर बाप को याद करो तो बाप याद आएगा, तो अपनी आत्मा को समझो, क्या क्या समझो, हु एम आई, मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाने वाली हूं, मेरा ऊंच से ऊंच पार्ट क्या है, ये समझो, और साथ साथ अपन को आत्मा समझते हुए दूसरी बात क्या करो, बाप को भी याद करो। तो ये जो तुम्हारे पाप कर्म है ना, जन्म जन्मांतर के, जब से ये विधर्मियों के संपर्क में, संसर्ग में, संबंध में आए, तब से तुम्हारे बहुत पाप बने हैं, हैं? इन अनेक रावण के सिरों ने हैं, तुम्हें उल्टी उल्टी मत दे करके बहुत तुम्हारे से पाप बनवाए दिए, ये सब पाप तुम्हारे विनाश हो जाएंगे, और तुम क्या होगा, तुम्हारा फिर क्या होगा, तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाएंगे, स्वर्गवास में क्या करेंगे, वहां सब आत्मिक स्थिति में रहेंगे कि देवहन में रहेंगे, सब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के रहेंगे। तो ये है पैगाम, क्या बाप का, समझा, पक्का पक्का पैगाम क्या है, अपन को आत्मा समझो, अपनी आत्मा के पार्ट को समझो, जानो, और जान करके जैसे तुम अपन को पार्ट को जान जाते हो बाप की याद से, तो दूसरे भी जानेंगे कि नहीं, हाँ उनको परिचय देंगे, बाप का पैगाम देंगे तो वो भी जानेंगे, तो घर घर में ये जा करके पैगाम, हर घर में पैगाम पहुंचाना, ओम शांति।